बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैमन आचन छोबाई, आशा करी आप रहे छोबाई बालो आचिन। तो गाइज आ चुके हैं वापस एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, क्योंकि हमारे काफ़ी जो बंगाली भाई थे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पद्मा ब्रिज का नया मंजर आ चुका है उस पर लाजमी रिएक्शन दे। तो ये अपलिफ्ट वालों का चैनल है, उनकी वीडियो, ये क्रेडिट उनको जाता है क्योंकि उन्होंने ये पद्मा ब्रिज की जो मंजर आम लेके आए हैं बहुत ही प्यारी इन्होंने वीडियो बनाई है। तो बिना किसी देर किए करते हैं आज की वीडियो शुरू। पद्मा पद्मा ब्रिज ब्रिज, ब्यूटीफुल ब्रिज यार, ये बांग्लादेश के लिए बहुत जरूरी ब्रिज था और बहुत ही खूबसूरत बनाया इन्होंने। ये समझ लें कि बांग्लादेश के बहुत सारे लोगों की ना मुश्किलात दूर हो गई हैं आने जाने की। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डिजाइन किया गया। अरे यार, रिवर के ऊपर से जा रहा है यार, मंजर भी इसका ब्यूटीफुल है, ट्रैक भी अच्छे दिए। वीडियो में आपको इस ब्रिज का पूरा मंजर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ओ रश चेक करो यार, पद्मा ब्रिज पे। और आई थिंक ये टूल प्लाजा है, टूल प्लाजा पे रश, टूल प्लाजा जहाँ पे उनकी वजीर आजम ने खुद अपने हाथों से टूल प्लाजा भी अदा किया है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत ही खूबसूरती से इसको डिजाइन किया गया है। और लाइटिंग बहुत प्यारी की है उसमें यार, और नाइट व्यू इसका आउटस्टैंडिंग। ये चेक करो, ये चीज जो है ना, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना सीना बाजी था, इनका तो बनता ही यार। काफी लंबा ट्रैक है बहुत ज्यादा, तो इसी वजह से तो ये कि यार जो सफर लोग तकरीबन समझ रहे घंटे या 2 घंटों में करते थे, वो उनका आप समझ रहे आधे पौने घंटे में, आधे घंटे से भी ये कम वक्त में हो जाता है। पहले उनको बोर्ड के जरिए से बोर्ड के जरिए जाना पड़ता था, काफी मुश्किलात पेश आती थी, पर ये बनाए तो बहुत ही खूबसूरत बनाए। जैसे कि हमारे इधर पाकिस्तान में M5 बनाया ना, ये उसका मुकाबला कर रही है, बहुत ही प्यारा रोड बनाया। अच्छा लोग देखो अक्सर ना रोड के ऊपर अपनी गाड़ी खड़ी करके ना पूरा इसका व्यू व्यू कैप्चर करते हैं यार, कैसे ना लें इतनी बड़ी जो आपके मतलब कंट्री के अंदर। यार ये व्यू चेक कर, ऐसे जैसे शांति माहौल है, शांति। ये गाड़ियां रुकी हुई हैं, गाड़ियां रुक के स्पेशल ये मोमेंट जो है ना, यादगार मोमेंट है ये, वो कैप्चर करते हैं। ठंडा मौसम, ठंडी हवा, क्या नजारे हैं पद्मा ब्रिज के। ये जिनका चैनल है अपलिफ्ट वालों का, उन्होंने माशाल्लाह यार बहुत अच्छी वीडियो बनाई है यार, बहुत ही अच्छा उन्होंने व्यू लिया, 4K व्यू लिया ना, 4K व्यू लिया और बहुत अच्छा व्यू लिया। ऊपर से उन्होंने लिया भी इवनिंग का है, जैसे कि सूरज हल्का हल्का ढल रहा होता है, वो व्यू और भी प्यारा आता है कैमरे में। सर ये ब्रिज का डबल ट्रैक है, डबल ट्रैक मैंने क्या ट्रेन वगैरह बिल्कुल नहीं, नीचे से मुझे तो यही लग रहा है, नीचे से अभी तक कुछ नजर तो आ नहीं रहा वैसे। या ये उन्होंने वो जो उसका बनाई है मेट्रो का ना दिया, वो नेस्ले सिरिलैक में है आयरन, विटामिंस और प्रोबायोटिक्स, और ये प्रिजर्वेटिव से बिल्कुल पाक है। मौसम, चिल हवा, क्या नजारे हैं। हर जगह को उन्होंने अलग अलग ट्रैक भी दिए, इधर से जा रहे हैं इधर से आ रहे हैं, वो
मंगवाने वाले जो उधर से आ रहे हैं वो अपना ट्रैक कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, वो अपना रूल हर इतने एक रास्ते पे तो नहीं जाना। यार देखो ना लाइटिंग चेक करो, जिधर तक नजर जा रही है ना कैसे ब्रिज रोशन हुआ पड़ा। एक वैसे गाड़ियों की लाइटिंग उन्होंने इजाफा कर दिया है, एक वैसे रोड इतना ब्यूटीफुल और माइंड ब्लोइंग हो गया। साथ वेदर है वैसा है, मैच हो गया। ठीक है, बांग्लादेश का वेदर वैसे ही ठंडा रहता है, वहाँ पर ऐसी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं क्योंकि वहाँ पर रिवर बहुत ज़्यादा है। रात का तो मौसम वहाँ पर कहते हैं कि एसी चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतनी ठंडी हवा चलती है। बड़ा प्यारा दिया साथ उन्होंने यार, ये सबसे ज्यादा खूबसूरत है, बाकी ये बहुत चीज खूबसूरत है यार, ये डिजाइन उन्होंने बहुत ही प्यारा दिया। आई थिंक यहाँ पर के लोग गाड़ी रोक के यहाँ पर रेस्ट वगैरह बैठ सकते हैं, बच्चों वगैरह के लिए भी शायद मेरा ख्याल कोई पार्क वगैरह भी बनाया उन्होंने, पता नहीं अब यहाँ पर जाने की इजाजत है या नहीं है, ये गाइस कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यार ये मंजर बहुत ही खूबसूरत, और साथ जो लाइटिंग है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त, टच बहुत ही अच्छा दिया है, और ऊपर से ये पिक्चर ने कमाल कर दिया है। मेरे ख्याल ये कोई इवेंट्स के लिए बनाई गई है जगह, शायद में भी गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल शुक्रिया अदा करते हैं अपलिफ्ट वालों का, जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त वीडियो बनाई और जो उन्होंने नाइट और मॉर्निंग के व्यू लिए हैं वो कमाल के लिए हैं, ज़बरदस्त लिए हैं यार। इस पे अगर देखा जाए तो हमारे उन भाइयों की, अपलिफ्ट जो भाई हैं उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, और बहुत ही खूबसूरत बनाई है यार उन्होंने, कि उनकी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं गई, उन्होंने कमाल कर दिया इस वीडियो में। पद्मा ब्रिज इससे ज़्यादा खूबसूरत मैंने पहले आज तक नहीं सी देखा, जितना उन्होंने खूबसूरत दिखा दिया है
और ये उन्होंने कमाल ही कर दिया। उस्मान से पूछते हैं, उस्मान को कैसे लगा? जी वाकई पद्मा ब्रिज जो है वो बहुत ही खूबसूरत था, और जो उसके 4K व्यू लिए ना ड्रोन व्यू, वो बहुत ही लाजवाब है। और ये ब्रिज बनने के बाद बांग्लादेश बहुत ज्यादा तरक्की करेगा, और बांग्लादेश की जो आवाम है उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनका जो वक्त है ना वो वक्त बच सकेगा, वो मतलब उनका वक्त जो इतना जाया होता था वो जाया होने से बच गया, और ये ब्रिज बनने के बहुत ज्यादा फायदे भी है। और वैसे भी यार बांग्लादेश में जितने तरक्याती काम हो रहे हैं, बांग्लादेश वैसे ही बहुत ही तरक्की कर रहा है, बहुत आसमानों की समझ लो कि बुलाइयों को छू रहा है या बुलंदियों को छू रहा है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है, क्योंकि ऐसे अगर तरक्याती जितने ज़्यादा काम होंगे उतना ज़्यादा आपका मुल्क तरक्की करेगा। तो गाइज हमें तो ये वीडियो लाजवाब लगी है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, देखकर दिल खुश हो गया है। इस पर यकीन करें कि इस तरह ब्रिज देखा है, इस पर सफ़र करने को भी दिल कर पड़ा है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में भी याद रखिएगा। अब दें इजाज़त, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।